हम 3 दिन से ये कैंपेन कर रहे हैं और स्टार्टअप हमने जयवर्गी से किया था और गंगापुर, और यहाँ पे आज लास्ट है हमारा 3 डेज से ये जो परिसर के लिए हम लोग कर रहे हैं। और इसका मेन टॉपिक क्या है बोले तो हम भीमा नदी के लिए कर रहे हैं, जितना भी उसको और उसके अंदर जो कलुषित हो रहा है ना पानी, और उसके लिए ना हम लोग कितना ही प्लास्टिक वगैरह यूज कर रहे हैं वो सब नदी में फेंक रहे हैं, और सभी लोग ना उसको हम लोग कम करना चाहिए, क्योंकि उससे नदी बहुत बहुत सारे से ना कम से वो पूरा प्लास्टिक की वजह से पूरा हो रहा है। वहां पे जो नारियल छोड़ रहे हैं और कपड़े छोड़ रहे हैं, इन सबसे ना नदी पूरा गंदा हो रहा है। वही पानी हम लोग पी रहे हैं, इसमें कलबुर्गी में जो भी पानी पीता है वो तो भीमा नदी से ही आता है। ये सब लोग हम लोग समझने चाहिए कि पानी किधर से आ रहा है और वो कितना गंदा आ रहा है, ये सब हम लोग समझ के था। और हम लोग करना है क्या चाहिए बोले तो ये प्लास्टिक वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं ना इसको हम लोग थोड़ा कम करेंगे। और हमने हमारे भी ये जो पूर्वजों ने झाड़ वगैरह लगाए हैं और उसके लिए हम लोग अभी जी रहे हैं ना, अच्छा हवा ले रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, जो भी आगे वालों को भी ये सब मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग ये करेंगे आज ज्यादा से ज्यादा हम लोग झाड़ लगाएंगे, उसको हम पोषण करेंगे, अच्छे से बढ़ाएंगे, आगे के लोगों को भी मदद होना चाहिए, जो भी हमारे बच्चे आने वाले हैं जो उनके लिए भी अच्छा हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए। बोलना चाहती हूँ हम सब यूथ मिलके अच्छे से पेड़ लगाएंगे, उसको अच्छा से पोषण करेंगे। बोलना चाहती हूँ बारिश में भी अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि बारिश कम हो रहा है ना, लेकिन फिर भी हम लोग बारिश की वजह से भी कर रहे हैं। फिर भी ऐसा लग रहा है कि ना जो भी बारिश आ रहा है वो आगे साल इतना भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि इतना पेड़ हमारे पास कम हो रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं, बहुत खुशी से भी कर रहे हैं हम लोग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। सभी लोग ये समझना चाहिए कि ज्यादा पेड़ लगाने चाहते हैं, बारिश के मौसम में ही पेड़ लगाना है। हाँ, ये भी जो मौसम है ना इसमें ज्यादातर हम लोग पेड़ लगाए तो अच्छे से बढ़ जाएंगे, और ज्यादा पानी भी उसको हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग डाल भी नहीं सकते ज्यादा, तो वो अपना आप ज्यादा बढ़ेगा जल्दी से। बोला जाते जाता नहीं पड़ता है, नम सुन परिसर आगे मत नम सोट गिड़ो मत नम सी नदी जन सण अवेरने मत जनरल जगृति मूडे नम जन रैली नम सी परिसर बहुत जन अवेरने अस्टमेटिक ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜಾಗೃತಿಗಳಿಂದ ತಡೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಾವು ಯುವ ಜನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಜಯವರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾಪುರ ಎರಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಪರಿಸರನ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೋಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಈಡಿದೆ ಇವಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನರು ಹಾಗೆ ಯೂತ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪರಿಸರನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇಂಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗಿನ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ ತಗೋದಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇದೊಂದು ನಾವು ಇವಾಗ ಜನರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.